मध्य प्रदेश के छतरपुर से खबर आ रही है, जहां कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर छतरपुर जिला चिकित्सालय के डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं और सभी ओपीडी बंद हैं। केवल इमरजेंसी सेवा को छोड़कर ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं अस्पताल के विभिन्न वार्डो में भर्ती मरीजों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आज आकाशवाणी तिराहे पर डॉक्टरों ने टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। डॉक्टरों की मांग है कि कोलकाता मामले के दोषियों पर सख्त वैधानिक कार्यवाही होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के छतरपुर इकाई के सचिव और जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर ऋषि द्विवेदी का कहना है कि मरीजों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए इमरजेंसी में दो डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। डॉक्टर्स के द्वारा और पैरामेडिकल स्टाफ उन सबके द्वारा किया जा रहा है, जो कलकत्ते में एक डॉक्टर के साथ में इतना दर्दनाक और शर्मनाक हादसा हुआ है, जिसमें रेप और उनका मर्डर किया गया है। डॉक्टर्स की कहीं भी कोई सुरक्षा नहीं होती है। डायरेक्ट हम लोग जनता के टच में रहते हैं और उसमें जिसको दुश्मनी निभाना है, जो कुछ निभाना है, वो डॉक्टर्स के साथ ही उन लोग सारा दुर्व्यवहार करते हैं। इन सब चीज़ों के हम लोग बिल्कुल खिलाफ़ हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया इसकी स्ट्राइक कर रहे हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सारे लोग कर रहे हैं। कहना है कि आज हड़ताल पे हैं हम, कोई दवाई नहीं करेंगे, और करेंगे तो इसी वक्त भर्ती करेंगे। घोड़ा है ना, दिखाओ पेट में हमारे, इतना बड़ा घोड़ा है। परसों बोल रहे थे सड़ गए जवाई कहे थे तो